समय से पहले शीतकालीन सत्र आज हो सकता है खत्म। फिर भी लखीमपुर खीरी मामले को लेकर विपक्ष के हल्ला बोल की तैयारी। लंबित सांसदों का धरना भी जारी, आज विरोध जताते हुए पढ़ेंगे संविधान की प्रस्तावना। दोपहर 1 बजे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गौरव गोगोई ने लोकसभा में दिया स्थगन प्रस्ताव, वैक्सीन के बूस्टर डोज पर चर्चा की मांग। डीएमके सांसद कणिमोई ने किया ट्वीट, 2019 में 10 लाख लोगों की प्रदूषण की वजह से गई जान, इसे गंभीरता से लेने की जरूरत। नए साल के जश्न में फंस सकती है पाबंदियों के खलल, ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के को देखते हुए केंद्र ने राज्यों को किया अलर्ट। केंद्र का राज्य को निर्देश, नए वेरिएंट को रोकने के लिए वॉर रूम करे एक्टिव, जरूरत हो तो लगाए नाइट कर्फ्यू। धीरे धीरे देश में पैर पसार रहा है ओमिक्रॉन, ओडिशा और जम्मू कश्मीर में सामने आया पहला केस। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 11 नए केस, अब तक 65 लोग संक्रमित, सरकार सतर्क। दिल्ली सरकार ने ओमिक्रॉन से निपटने के लिए कसी कमर, अब तक पाए गए 57 मरीज। तेलंगाना में भी ओमिक्रॉन के 4 नए केस, कुल मरीजों की तादाद हुई 24। देशभर में ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या पहुंची 200 के पार, 14 राज्य नए वेरिएंट की चपेट में। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे पर वैज्ञानिकों ने अगले साल फरवरी में तीसरी लहर की जताई आशंका। कर्नाटक में नए साल के जश्न से पहले लगी पाबंदी, सरकार ने जारी की गाइडलाइन। सामूहिक कार्यक्रमों पर लगी रोक, पब और क्लब में डांसिंग और डीजे की अनुमति नहीं। रेस्टोरेंट बार में 50% क्षमता से ज्यादा पर पाबंदी, सभी कर्मचारियों के लिए कोरोना टेस्ट और वैक्सीन की दोनों डोज होगी अनिवार्य। डेल्टा वेरिएंट से 3 गुना ज्यादा संक्रामक है ओमिक्रॉन, स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया आगाह। ओमिक्रॉन के खतरे पर लोगों ने रद्द की घर से बाहर जश्न मनाने की योजना, होटलों में लगातार हो रही है बुकिंग रद्द। बंगाल में ओमिक्रॉन के खतरे के बीच क्रिसमस और नए साल के जश्न पर नहीं लगेगी कोई पाबंदी। देश में कोरोना के नए मामले 6,300 से ज्यादा, एक दिन में बढ़े 18% केस। केरल में ओमिक्रॉन के 15 मामले, सभी मरीज अस्पताल में। केरल में बाहर से आने वाले पॉजिटिव मरीजों की जीनोम सीक्वेंसिंग, विदेश से आने वाले लोगों को 7 दिन तक घर में रहना होगा क्वारंटीन। हैदराबाद में कैंसर स्पेशलिस्ट ओमिक्रॉन की चपेट में, राज्य में स्थानीय संक्रमण का पहला मामला। दिल्ली के विकासपुरी में मिला ओमिक्रॉन का मरीज, घर को किया गया सील। मरीज के संपर्क में आने वाले 50 लोगों का टेस्ट, नतीजा आना बाकी। 2 दिवसीय दौरे पर गोवा पहुंचे बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, दक्षिण गोवा में चुनावी जनसभा को किया संबोधन। गोवा में जेपी नड्डा ने की प्रमोद सावंत सरकार की तारीफ, बोले बीजेपी ने जो कहा वो करके दिखाया और आगे भी करके दिखाएंगे। आज उत्तरी गोवा के मापुसा में पार्टी के कार्यालय में बैठक करेंगे जेपी नड्डा, बीजेपी सरकार के 10 साल के कार्यकाल का रिपोर्ट भी करेंगे जारी। गोवा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने झोंकी ताकत, 2 दिनों के दौरे पर पहुंचे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। पणजी में अरविंद केजरीवाल ने चुनावी रैली को किया संबोधित, बोले सूबे में पहली भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाएगी आम आदमी पार्टी। भारतीय सीमा के करीब कुपवाड़ा के टिटवाल सेक्टर में निर्माण कार्य की कोशिश कर रहा था पाकिस्तान, भारतीय सेना ने रुकवाया। पाकिस्तान प्रायोजित फेक न्यूज फैलाने वालों पर सख्ती, ब्लॉक किए गए 20 यूट्यूब चैनल और 2 वेबसाइट। एंटी इंडिया कंटेंट के माध्यम से जो एक प्रयास कुछ वेबसाइट्स और पोर्टल्स के माध्यम से किया जा रहा था, उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। पाकिस्तान के कराची में तोड़ी गई मंदिर में रखी देवी दुर्गा की मूर्ति, सड़कों पर हिंदुओं का प्रदर्शन। फिर बेनकाब हुआ पाकिस्तान का चेहरा, 22 महीनों में हिंदू मंदिर पर 9वीं बार हमला। शराबबंदी के बीच गोपालगंज में दिखा अजब नजारा, बोलेरो में भरी शराब की सरेआम लूट। साइकिल सवार से टक्कर के बाद स्थानीय लोगों ने गाड़ी को घेरा, गाड़ी में भरी थी शराब की पेटियां। मौका मिलते ही शराब लूटने की मची होड़, पुलिस के पहुंचने तक खाली हो चुकी थी गाड़ी। पुलिस ने एक शराब तस्कर सहित 8 लोगों को किया गिरफ्तार, वीडियो वायरल।
तेजस्वी यादव ने किया ट्वीट, 16 वर्षों के आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश जी, बिहार को समाज सुधार से अधिक व्यवस्था सुधार यात्रा की आवश्यकता। मुख्यमंत्री आज मोतिहारी के दौरे पर, समाज सुधार यात्रा की शुरुआत। मुजफ्फरपुर में शराब ठिकानों पर छापेमारी, पुलिस का विशेष अभियान। नए साल की पार्टी में शराब के इस्तेमाल की आशंका, दियारा इलाके में भी तलाशी। शिमला विश्वविद्यालय में छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, 3 छात्र घायल। एसएफआई और एबीवीपी कार्यकर्ताओं के बीच झगड़ा, पुलिस बल की तैनाती। इंदौर में व्यापारियों का भारी विरोध, कल शाम 7 बजे से 20 मिनट के लिए ब्लैकआउट। कपड़ों और जूतों पर जीएसटी बढ़ाने का विरोध, केंद्र सरकार ने 5% से बढ़ाकर किया 12%। व्यापारियों ने कहा उनके विरोध को जनता का भी समर्थन, जीएसटी बढ़ने से और बढ़ेगी महंगाई। नोएडा में किसानों का प्रदर्शन, अथॉरिटी के दफ्तर के बाहर विरोध। लुधियाना में किसानों का प्रदर्शन, अपनी मांगों को लेकर किया जिलाधिकारी के दफ्तर को बंद। दिल्ली सटे फरीदाबाद में भाई ने भाई को मौत के घाट उतारा, पुलिस को शिकायत का इंतजार। पटना में किन्नर की मौत पर जमकर हंगामा और तोड़फोड़, पुलिस पर भी हुआ पथराव। बांकुड़ा में बालू माफियाओं ने गांव वालों को पीटा, खनन के खिलाफ विरोध करने पर किया हमला। अलीगढ़ जेल में हत्या के आरोप में बंद युवक ने की आत्महत्या, सेप्टिक टैंक में कूद कर दी जान। कन्नौज में कंटेनर में लगी भीषण आग, 103 मोटरसाइकिल जलकर खाक, ड्राइवर और कंडक्टर ने कूद कर बचाई जान। अहमदाबाद में बन रहा पुल गिरा, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। समस्तीपुर में ऑटो और ट्रक के बीच टक्कर, 3 की मौत, कई घायल। अलीगढ़ में दर्दनाक सड़क हादसा, स्कूटी सवार बाप बेटी को ट्रक ने मारी टक्कर, बेटी की मौत, बाप की हालत नाजुक। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने किया जोरदार हंगामा, कई घंटे तक सड़क की जाम, ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार। कन्नौज में कंटेनर में लगी भीषण आग, 103 मोटरसाइकिल जलकर खाक, ड्राइवर और कंडक्टर ने कूद कर बचाई जान। सहारनपुर में पत्नी की गला रेतकर हत्या, आरोपी पति की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम गठित। महाराजगंज में एसएसबी जवान की नदी में डूबने से संदिग्ध मौत, पुलिस जांच में जुटी। गया के तेनकुपा प्रखंड में पूर्व दबंग मुखिया के गुर्गों ने की फायरिंग, पंचायत चुनाव में वोट नहीं देने पर चलाई गोली, जद में आने से एक बच्चा घायल। इंदौर में हत्या और लूट के मामले में फरार चल रहा मुख्य आरोपी गिरफ्तार, 92 लाख की कीमत के आभूषण बरामद। धौलपुर में संदिग्ध हालात में मिला बुजुर्ग साधु का शव, लोगों ने जताई हत्या की आशंका। मुंबई के एक होटल में जमा हुए 1983 वर्ल्ड कप के हीरो फिल्म तरासी के प्रमोशन की कवायद। असम में कछार के गांव में जिले के उपायुक्त की बिताई रात, लोगों की समस्याएं जानने की कवायद। शीतलहर में जलकर राख हो रहे केदार घाटी के जंगल, उकीमत में लगी आग से लाखों की वन संपदा स्वाहा। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में हड्डियां जमाने वाली ठंड, 4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया राजधानी का न्यूनतम तापमान। पंजाब और हरियाणा पर शीतलहरी का कहर, हिमाचल में हुई बर्फबारी का दिखा असर।